ये देखें, ये क्रीमें लगाई जा रही हैं, माँ बेटी बैठकर क्रीमें लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक है। और आज इसकी थोड़ी सी गला अड़ अड़ जाती है। नहीं, मेरी तो बातें नहीं आ रही, बस वैसे मैं ना थोड़ा सा, ये बच्चे शोर कर रहे थे इसलिए। तो व्यूअर्स, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया, हमारे सपोर्ट किया था इस जी, बार सारे के सारे नो, और थैंक सबसे यू ज़्यादा तो सर। आप लोगों ने इनकी सपोर्ट की है, मेरी तो सपोर्ट नहीं की। सब भी कह रहे हैं भाभी का ख्याल रखना, बाजी का ख्याल रखना, भाभी का, भाभी का। मेरे ख्याल के बारे में तो ये भी पूछे, मेरा भी ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही? इस बार ये थोड़ी सी टेंशन में है कि हाँ, मेरे मैं बहुत बारे में ज़्यादा नहीं खुश परेशान बैठा हूँ रहती। भाई, मेरे ख्याल की नहीं बात कर, भाभी के ख्याल की। तो देखिए अभी भी मैंने इसका कितना ख्याल रखा, इसको मैंने इस साइड पे बिठाया हुआ, खुद इस साइड पे बैठा हूँ, टांगों वाली साइड पे। सच्ची गल तो यही है पिया, क्योंकि ये मोबाइल पकड़ लेंदी इस हाथ के साथ है, इसलिए मुझे इस साइड इधर बिठा लेंदी है, पूरा आ जावे मोबाइल पे। अच्छा, तो वो कल एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि कह रहे थे कि भाभी उल्टे हाथ से क्यों खाना खाती है। तो वो उल्टे हाथ से नहीं खाना खाती, क्योंकि हम ना जब वीडियो फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करें तो वो, ये अब मेरा उल्टा हाथ है, तो जब खा रहे हो तो ये कैमरे में शायद जब चेंजिंग होगी तो उस वक्त ये सीधा लगने लग जाएगा जी, यही। क्योंकि हाँ मुझे तो उल्टे हाथ के साथ कोई काम नहीं आती, मैं सीधे हाथ के हाँ साथ तो काम खाना हम करती सीधे हाथ के साथ खाते हैं, लेकिन बस ये ना मोबाइल में कोई फ़र्क पड़ जाता है, तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो पर व्यूअर्स, इसकी मसला तो गलती तो इसकी है, क्योंकि ये उल्टी हाथ के साथ मोबाइल पकड़ हाँ लेती। मेरी गलती बनाई रखो। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, वरना ये तो अभी मेरी गलतियाँ बना बना के। ये बहुत ये अभी डर लेकिन लगती व्लॉग है इसकी तो गलत के लिए, ठीक है? व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अपनी सपोर्ट इस तरह ही हमारे साथ रखिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और करें याद ना बेल आइकन भी दबा ले। जी, और हमारे हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, बहन भाइयों के साथ, ताकि हमारी हमारे थोड़ी चैनल सपोर्ट हो जाए इसलिए, ठीक है? जी। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बस तो जी, अभी है सुबह 11 बजे का टाइम, मैं दुकान की सफाई सुई कर ली है, झाड़ू दिया है, और अभी आप लोगों की भाभी मुझे बुला रही है, पता नहीं उसको क्या मसला है, जाकर उससे पूछते हैं वो क्या कहना चाह रही है। मुझ तो नहीं गई, मुझसे उदास तो नहीं हो गई? उदास तो नहीं हाँ है, मैं जी, आपको हुक्म बुलाई थी, आपके साथ आज बहुत ज्यादा काम है करवाना में, क्यों, खैर हो जाओ बस। क्योंकि मैं कल काम कर करके थक गई है, आज मैं आपके साथ काम करवाऊंगी बड़ी बात है, बड़ी है ना, कल का कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है, तो मुझे तो बहुत ही कामों पे लगाने की कोशिश कर रही है, फिर वो कहेंगे कि आप रन मरीद हो। तीन काम है आपके लिए, दो निहाली है देखे मैं बैठ भी पिया। नीचे गई हूँ, इनको कितनी मैंने इज्जत दी हुई है, आप लोग फिर भी कहते हैं कि इनको खुश रखा कर, ये काफी खुश है, इनसे पूछे। अच्छा पहले बताओ आप खुश हो ना, हाँ जी, कितना मैं खुश हो, खुश, इनको बताएं कितना खुश हो। थोड़ा मैं ज्यादा खुश सा हूँ। वो, ये तो उर्दू में अब जान, जो हम घर में बोलते उस तरह बोल के बताओ कितना खुश है। मैं तो बहुत खुश नहीं, है। ये तो उर्दू हो गई ना, हाँ पंजाबी में कहो जो हम घर में बोलते हैं। पंजाबी, हाँ मुझे पंजाबी उर्दू अभी ज्यादा मिक्सिंग हो गलोती है भैया, इसलिए मुझे नहीं पता ये पंजाबी है ये उर्दू है अच्छा चलो, इसलिए। जो भी इस जबान से हटकर दूसरी जबान बोलो जो मैं घर में बोलता हूँ। खुश हैं हाँ जी, अब? हाँ जी नाल तो नहीं पता लगना है पे तू। हाँ मैं खुश है। हाँ मैं खुश है जी, करके खींदे पिया, इज्जत करींदी है घर में भी। घर ते के मैं बुलंदी आके उसे तो जवाब दे हो। तलिया को क्या दबाया वो? तलिया, तलिया मेरे क्रीम डब्बा, कल अच्छा मेरे, काम बताओ, काम बताओ। अच्छा आप आज वो है ना कपड़े वाला ठप है, वो दो कर है पिया, अच्छा वो पहले छत पे जाके रख दे सुन होना। रहे हैं, दूसरी गल है दो निहाली है पिया, निहाली केड़ी? एक आपकी निहाली है, दूसरी हमारा हाँ तलिया। वो निहाली जो है ना, वो तो तलिया भी शी कर देती है, वो बहुत ज्यादा शी करते हैं ना, ये तो जैफा को भी पता नहीं क्या मसला, ये भी रात को बिस्तर में शी कर देता है। हाँ लिया ठीक है। हाँ ना? अच्छा दूसरे तीसरे काम यही थे, आज जरूरी वही काम तो करना है, मुझे दो सिरप लेके देना था, एक पेनाडोल का सिरप, दूसरी खांसी ये वाली। आदि डॉक्टर भी खुद है,
दवाई पर नहीं, डॉक्टर से ज्यादा नहीं कुछ नहीं, पर ये खुद ही बताती है कि ये लेकर आए भाई। सही है ना, डॉक्टर को चेकअप तो नहीं करा होना ना, कम से जरा परफेंडा जरा देख ले, कितना अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर भाई, अब मैं इनको टॉप उठा के ऊपर रख के देता हूँ। तो ये जी देख रहे हैं इतना वजनी टॉप है, ये मेरे जिम्मे लगा है जी, आपको पता नहीं है, मेरे को नहीं उठाई जा रही है। अच्छा, आप बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैं आपके साथ करवा रही हूँ। ओए बहुत थक गई है ना, ओ देख ली है, मुझे दोबारा कपड़े दो ना पमदा। हाँ जी, वो मेरे सूट थी। अभी आप जाओगी ऊपर या वो बच्चे भी आपके साथ जाएंगे? हाँ, उठा के आपके लिए भी उधर ना लिफ्ट लगवाता हूँ ऊपर। लिया क्यों रो रही है? तलिया की क्रीम डब्बी भूल गई है। तो जी ये पड़ी हुई निहालियाँ, इनको भी छत के ऊपर लेकर जाना है, इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। आपकी तारीफ आप खुद ना कर लो, ठीक है? अच्छा आप कर दो। मैं अपने मुझे नहीं करता, आप क्रीम कर थोड़ी सी। बहुत अच्छी है पिया, थोड़ी सी स्लीप टाइम बहुत अच्छी थी, बाकी टाइम थोड़ी बाती है, ठीक है? ये मेरी ये तारीफ कर रही है, ऐसे तारीफ करता है बंदा दिल खोल के तारीफ करता है, किसी की तारीफ करनी है तो। मैं खोल के बताई थी, मैं बताई नहीं है अभी। इससे अच्छा तो आप मेरी तारीफ करते ही ना। अच्छा अच्छा, आप काम कर लो जल्दी जल्दी यार, तो हो गई है। चलो ठीक है, अभी मैं नाली वगैरह ऊपर रखता हूँ, वो मैंने रख दी है, अब आपने खुद ही जाके उनको सेटिंग करें। ये देखें जी, क्रीमें लगाई जा रही हैं, माँ बेटी बैठकर क्रीमें लगा रही हैं। क्रीम लाऊंगी पर क्या हो जाएगा, कभी मेरे मुंह पे भी लगा दी करो थोड़ी सी। अच्छा ठीक, आप भी आके जा जाओ, मैं लगाऊंगी। हाँ मेरे नहीं, आपने इजाफा को लगाओ, इजाफा आजकल बहुत काला होता जा रहा है, ये तो बिल्कुल ना श्रीलंका वालों की तरह बनने लग गया। नहीं कुछ ना बताओ, श्रीलंका वालों तरह खाली तो नहीं है। नहीं वो तो कोई बात नहीं, काले भी बंदे होते हैं, इतराज़ तो मुझे कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि ये ना उनकी तरह ही अब लगता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा है ना, वो श्रीलंकन वाला है ना। हाँ ये पैदा भी श्रीलंका में हुआ था ना इसलिए। हाँ थालियाँ भी काली हो रही है। चलो कोई बात नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे, क्योंकि आप लोग सिर्फ हमारी वीडियो, हमारी या किसी की भी वीडियो आप लोग सिर्फ देखते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हमने सोचा है कि हम 8 मिनट की वीडियो बनाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लंबी अगर बनानी पड़ेगी तो 10 मिनट की बनाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोज़ कोई भी नहीं देखता। अक्सर हमारे व्यूअर्स देखते भी हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो तो व्यूअर्स बोर होने लग जाते हैं, इसलिए हमने सोचा आप लोग बोर ना जी। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर लाइक पर कर ले। तो व्यूअर्स, हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।